अगली खबर में हम बात करते हैं एटा की। जिस प्रकार से दिनों दिन पेड़ों को कटान हो रहा है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। हजारों किलोमीटर लंबे राजमार्ग बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, लेकिन उनको बनाने के जितने पेड़ों को कटान किया जा रहा है, उसके 10% वृक्षों को रोपण भी नहीं किया जा रहा है, जिसका भयंकर परिणाम आने वाले वर्षों में हम सबको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने वाले पर्यावरण प्रेमी जनपद अंबेडकर नगर में टांडा तहसील के संदीप श्रीवास्तव हम सबको संदेश देने के लिए अपनी पीठ पर एक पीपल का पौधा मानकर और आगे मास लटकाकर बताते हुए पैदल निकले हैं। दिल्ली के लिए अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो वृक्षारोपण नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति के पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मानकर चलना पड़ेगा। संदीप श्रीवास्तव ने अपने दो शिष्यों के साथ लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा कर अंबेडकर नगर जनपद की टांडा तहसील से दिल्ली के सांसद भवन पहुंचेंगे, जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों से जागरूक और सचेत करने के साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है जिसे वे प्रधानमंत्री को बताएंगे, जिसके पर्यावरण के संतुलन बन सके। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वे ग्रेजुएट है और लगभग 2 से 3 वर्ष तक उन्होंने IAS की तैयारी भी की है, जिसके बाद पर्यावरण में हो रहे असंतुलन देखते हुए इसके बचाव के लिए अपनी बहन को प्रेरणा लेकर निकले हैं। संदीप अब तक लगभग 6,500 पौधे भी लगा चुके हैं। विराट 24 के लिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं टांडा अम्बेडकर नगर से हूँ। जी हमने देखा कि आप रास्ते में अभी आ रहे थे हाईवे से NS-34। जी जी। और आपके आगे जो है एक जो ऑक्सीजन वाला मास्क जी होता जी है वो है, वहीं पीछे आपके एक सिलेंडर टाइप मतलब सिलेंडर के रूप में एक वृक्ष है जो कि पीपल का है। जी जी। क्या संदेश है ये लोगों को? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, पृथ्वी को जर्जर कर रहे हैं, आने वाला समय 2-4 साल बाद आप ऐसे सिलेंडर टांग के ऐसे मास्क लगा के चलेंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन वायुमंडल में आपको मिलेगा नहीं, वातावरण आप दूषित कर दे रहे हैं, एकदम से बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जब आप सिलेंडर टांग के चलेंगे तभी आप जीवित रहेंगे, अन्यथा आप जीवित नहीं रहेंगे। तो लोगों से हम अपील कर रहे हैं रास्ते भर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ, नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आप ऐसे ही मेरे जैसा, जैसे मैं आज ये रूप रखा हूँ, लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ, ऐसे ही आप चलेंगे पूरे रास्ते। आप अंबेडकर नगर टांडा से चले हैं? जी जी। तो टांडा से कहाँ जाना है आपको? जी दिल्ली तक जाना है, दिल्ली संसद भवन तक जाना है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा है कि वहाँ अपनी बातों को रखेंगे, पर्यावरण कैसे बचाया जाए वो मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, मैं अपना खुद का प्रोजेक्ट रेडी किया हूँ, बिना किसी पैसे की ज़्यादा लागत उसमें लगेगी नहीं। उस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि आप दूसरों को जो है रोजगार भी उसमें दे पाएंगे और पेड़ पौधों की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। मन में विचार कैसे आया, कब आया, क्या रहा? जी देखिए, मैं कुछ समय पहले मैं IAS की तैयारी कर रहा था, लखनऊ में किया और बाहर भी किया, तो जो है फिर इसके बाद बीच में लॉकडाउन आ गया तो मैं घर आ गया। मेरी एक सिस्टर थी, वो काफ़ी पर्यावरण से काफ़ी प्रेमी थी, वो पेड़ पौधे लगाती थी, लेकिन वो कुछ विगत वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लगाए हुए पौधे मुझसे टूटने की वजह से मुझे दुख हुआ, तो मैंने आजीवन बीड़ा उठा लिया कि मैं पेड़ पौधों की जो है आजीवन लगाता रहूँगा पौधे। अभी तक मैं लगभग 6,500 पौधे अपने क्षेत्र में लगा चुका हूँ।